ट्विटर ने आरएसएस नेताओं के ट्विटर अकाउंट पर ब्लू टिक वापस कर दिया है। ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का ब्लू टिक पहले ही वापस कर दिया था और अब खबर यह आ रही है कि ट्विटर ने संघ प्रमुख मोहन भागवत, आरएसएस के पूर्व सर कार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी, सुरेश सोनी और संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अरुण कुमार के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक वापस कर दिया है। यानी एक बार फिर से ब्लू टिक इनके अकाउंट में वापस। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें कि आरएसएस नेताओं के ट्विटर अकाउंट का जो ब्लू टिक वापस ले लिया गया था उसे फिर से बहाल कर दिया गया है। और नीरज पांडे हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो नीरज, जितने भी नेताओं के आरएसएस के नेताओं के ब्लू टिक वापस लिए गए थे सब बहाल कर दिए गए? जी बिल्कुल अखिलेश जी, अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ट्विटर ने सभी लोगों के, संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत जो पूर्व सर कार्यवाह भैया जी जोशी, सरकार सुरेश सोनी, अरुण कुमार जो सरकार सह सर कार्यवाह हैं, डॉक्टर कृष्ण गोपाल, इन सब के ट्विटर हैंडल के जो ब्लू टिक थे वापस कर दिए हैं। सबके जो वेरीफाइड अकाउंट को अनवेरीफाइड कर दिया गया था आज सुबह ही करीब 11 बजे के आसपास, उसके बाद ये सारे लोगों के ट्विटर अकाउंट फिर से वापस वेरीफाइड कर दिए गए हैं। और ये तब हुआ है जब केंद्र सरकार ने बकायदा सुबह ही आज आईटी मंत्रालय ने नोटिस इशू किया और नोटिस इशू करके ट्विटर को सीधे तौर पर कहा कि जो भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं, जो नए नियम कानून बनाए गए हैं, उनको अब तक ट्विटर ने इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया। उसके बाद देखा गया कि आनंद फानंद में ये करीब आधा घंटे पहले ही उनके सभी लोगों के ट्विटर अकाउंट फिर से वेरीफाइड कर दिए गए हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया नीरज पांडे इस जानकारी के लिए आपका। और अपने दर्शकों को जरा हम ये बता देते हैं आखिर किन किन के ब्लू टिक हटाए गए थे जो फिर से वापस कर दिए गए हैं। मोहन भागवत संघ प्रमुख, इनका ये जो ब्लू टिक है यानी वेरीफाइड अकाउंट का पता जिससे चलता है वो हटा दिया गया था। सुरेश सोनी सर कार्यवाह है आरएसएस के, इनका भी ब्लू टिक हटाया गया था। इसके अलावा सुरेश जोशी पूर्व सर कार्यवाह आरएसएस के, और अगला नाम अरुण कुमार का जो सह सर कार्यवाह है, अब सबके ब्लू टिक की वापसी हो गई है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।